स्थिति तो सामने है और कोसी में वर्क होता है, वर्क होता है क्रिएशन ऑफ वर्क। अगर वर्क का क्रिएशन नहीं होगा तो कोसी में काम नहीं होगा। तो ये जो काम है ये क्रिएशन ऑफ वर्क है कोसी का कमाने के लिए। इसको सरकारी नहीं मान करके ये अगर सुरक्षित रहेगा तो डाउन में सुरक्षित रहेगा, लेकिन कल तक ये कुछ नहीं था और जब ये टूट गया तो इसके बाद इनके विभाग का हो गया। तो ये क्रिएशन ऑफ वर्क है। अब यहाँ जब ये वर्क क्रिएट हो गया तो वहाँ काम चलेगा। और तीन का नहीं, तीन का हम लापरवाही के कारण ऐसा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल विभागीय नहीं, सुनो भाई, विभागीय लापरवाही के चलते और काम के सृजन के चलते इस तरह का काम किया गया है। और कोसी के अंदर लोग अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं तो कहते हैं कि ये मिट्टी का ढेर है। अरे इस मिट्टी के ढेर से ही वो आपका बचा हुआ है, लेकिन उसको नहीं देखता है। ध्यान देंगे, सभी जितने हमारे युवा साथी हैं सभी से आग्रह है कि सब अपना अपना जो है शांति बनाए रखें, शांति बनाए रहें और रास्ता को अवरुद्ध ना करें। यहाँ पे S1 S2 स्पर के बीच में जो सिकरहट्टा मजारी सुरक्षा तटबंध है उसमें ब्रीच हुआ है। एक उसके पहले ग्रामीण तटबंध है उसमें ब्रीच परसों हुआ था। उसके कारण संभावना ऐसी है कि सीपेज के कारण ये ब्रीच हुआ है। अभी फिलहाल जो पानी है वो ड्रेन आउट होकर तिलयुगा नदी में जा रहा है। फ्लड डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम कैंप कर रही है। पहले जो हम लोग का ग्रामीण तटबंध है उसके ब्रिज को इसमें काम किया जा रहा है, इसको बंद करके तब हम लोग मेन जो तटबंध है उसको बंद करने का काम करेंगे। इतना ये जो ब्रिज हुआ है सर, इसमें किसी न किसी की लापरवाही हुई होगी, किसको लापरवाह मानते हैं? अभी हम लोग लापरवाही और ये सब जो है वो बात का विषय है। अभी फिलहाल प्रायोरिटी है कि तुरंत इसको जितनी जल्दी हो सके इस ब्रिज को बंद करें हम लोग, और आगे जो हम लोग का मेन तटबंध पे ब्रिज है उसको तुरंत बंद करें। अभी उसमें प्राथमिकता पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, बट हाँ अगर लापरवाही है तो इसमें विभाग को सूचित किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। यहाँ का काम शुरू हो गया है और सारे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसी का काम अपना यहाँ पर कर रहा है और हम लोग यहाँ पर हैं, कैंप कर रहे हैं। चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। कब सूचना मिली सर और कब से कैंप कर रहे हैं? ये करीब 2:30 बजे सूचना मिली है, 2 बजे के आसपास ये ब्रिज हुआ है। उसी समय से NDRF और पुलिस की टीम यहाँ पर लगी।